ये लड़की गायब बेहोश हो चुकी है। ये जो झूला है ये हम फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, इसको देखना है कि ये किस तरीके से, ये मतलब कि इसका प्रोसेसिंग क्या है, किस तरह से ये जाता है। ये वाला जो है ना फर्स्ट टाइम आया हुआ, हम लोग जब भी आते थे ये नहीं आता था, कभी नहीं देखते थे, ये भी फर्स्ट टाइम है। तो आप बताइए कि नेक्स्ट ईयर जो पिछले उस साल यहाँ पे आए थे रानीगंज उर्स में, तो आप सोचे थे कि आपका ससुराल इधर यही इलाका में होगा? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। टच नहीं होना चाहिए कहीं भी, और ये यहाँ से वहाँ तक पूरा ले जाना है। अगर इस तरह ये कर लेगा तो फिर इसको प्राइज मिलेगा वो साइकिल। मस्ती का अस्ती ब्रो, अस्मा वाला बिस्किट है ना भैया, चलिए। तो आवाज यहाँ तक नहीं पहुँच रहा है। हाँ ठीक है ठीक है, तुम लोग जाओ, हम यहाँ से, यहाँ वीडियो बढ़िया आ रहा है एकदम फर्स्ट क्लास। तो गाइस ये हमारा भाई है, वो भी हमारा भाई है, हमारा दोस्त है। और अरे कहना क्या चाहते हो? यार कैसे बैठ सकते हैं ये लोग, हमको समझ में नहीं आता, इतना खतरनाक लग रहा है। गाइस ये देख सकते हैं, ये अलमीरा है और सच में इसमें चाबी भी दिया हुआ है। बटला बटला किधर है रे बटला तू? गाइस हम लोग जा रहे हैं एक प्रैंक करने, ठीक है? ये देखिए पहले, ये मेरा दोस्त है इजराइल, और ये भूल गया, सच में भूल गया, तो इसको अनाउंस करवाने जा रहे हैं क्योंकि हम लोग घर जाएंगे और अभी तक मिल नहीं रहा, फोन भी लगा रहा तो लग नहीं रहा, तो इसलिए इसको अनाउंस करवाने जा रहे हैं, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब? तो दोस्तों आज हम लोग जाने वाले हैं रानीगंज, आप देख सकते हैं पूरा रेडी हो चुके हैं और गाड़ी भी आ गई है, बस निकलने वाले हैं। और वीडियो को आप लोग स्किप बिल्कुल नहीं कीजिए, पूरा वीडियो देखिए क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। रानीगंज का पूरा वीडियो आप लोग को दिखाने वाले हैं और बीच में हो सकता है कि हम लोग मैथिन भी जाने वाले थोड़ा देर के लिए, तो वहाँ का भी वीडियो आप लोग को दिखाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके और बेल आइकन भी दबाइए, ठीक है? तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू। तो फाइनली गाड़ी आ चुकी है, हम लोग गाड़ी में बैठ गए हैं, तो बस अब हम लोग निकलने वाले हैं यहाँ से। तो हम लोग बस निकल चुके हैं, तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं मैथन, तो अभी हम लोग वहाँ पहुँचने वाले हैं, अभी बोटिंग भी करेंगे। चल तो फिक्स है, देख सकते हैं यहाँ पे बोटिंग के लिए यहाँ पे रास्ता बना हुआ, इसी में बोटिंग होता है। और ये यहाँ से देख सकते हैं बोटिंग के लिए यहाँ पे टिकट काउंटर है, अभी टिकट लेंगे और फिर वहाँ पे जाके बोटिंग वहाँ से करेंगे। तो गाइस देखिए यहाँ पे काउंटर में हम लोग आ चुके हैं, तो गाइस टिकट भी कट गया और अब हम लोग निकलने वाले हैं। और ये हमारे ग्रुप के लोग हैं, हमारे भाई लोग, हमारे जो भी है, देख सकते हैं अभी बड़ा मज़ा आने वाला है। अभी हम लोग बस जस्ट फ्यू सेकेंड में हम लोग अभी जाने वाले हैं। देख रहे हैं एकदम स्टार्ट हो गया ऑटो, और ये गाड़ी खुल चुकी है गाइस, खुल चुकी है, स्पीड काफी पकड़ लिया है, हवा भी चल रही है। तो अब आप लोग को पूरा वीडियो दिखाते हैं, वीडियो में बने रहिएगा। इसको पीछे कीजिए, वाव सो। हेलो गाइस, हाय प्रभु, कैसा लग रहा है आप लोग को? बहुत मजा आ रहा है एकदम, पूरा अच्छा जबरदस्त। हाय प्रभु, बोलिए जी, हम लोग पानी में सैर कर रहे हैं। तो गाइस हम लोग बस एक राउंड करने के बाद हम लोग बस अब पहुंचने वाले हैं
काफी बहुत ही अच्छा लगा। मौसम भी मौसम के हिसाब से और भी मजा आया, और हवा जो चल रही थी वो ठंडी ठंडी, वो बहुत ही ज्यादा सुकून लग रहा था। और पूरे समझ लीजिए कि एक राउंड करने के बाद हम लोग अब पहुंच रहे हैं अपने जगह पे, और एक्सपीरियंस आप लोगों को बता रहे हैं कि मैथेन आने के बाद बोटिंग करने का मजा कुछ और ही है गाइस। तो अगर आप लोग मैथेन आए हैं तो बोटिंग तो बनता है भाई। तो गाइस ये मैथेन का वीडियो था, शॉर्ट में डाले हैं, इसके लिए मैथेन का जो फुल वीडियो था वो अलग से डाले हुए हैं। अगर आप लोगों को फुल वीडियो देखना है तो आप जाके मेरा चैनल से जाके देख सकते हैं। तो गाइस हम लोग अभी मैथन से निकल चुके हैं रानीगंज के लिए। तो गाइस फाइनली ये देख सकते हैं रानीगंज का मोड़ है, बस यहाँ से हम लोग राइट लेंगे और रानीगंज यहाँ से स्टार्ट हो चुका है। तो गाइस फाइनली हम लोग रानीगंज पहुँच चुके हैं, आप देख सकते हैं यहाँ से एंटर कर रहे हैं और हम लोग गाड़ी भी पार्क कर दिए हैं और यहाँ से स्टार्ट होता है रानीगंज का। दो रास्ता है आने का, एक उधर से मतलब फर्स्ट में अगर आएंगे तो उधर से ये मज़ार जो उसको उधर से हम लोग आएंगे। ये स्टार्ट हो चुका बहुत ही पहले से और आप देख सकते हैं आपको दिख रहा होगा ये वहाँ पे भी हम लोग को जाना है। और ये यहाँ से पार्किंग लगा है, समझ लीजिए यहाँ से बाइक भी अंदर नहीं आ सकता है, यहाँ से जितना भी बाइक रहे सब इधर यहाँ से उधर, यहाँ से सीप और सीप लोग जा सकते हैं। और ये यहाँ का स्पेशल जो मिठाइयाँ है वो पूरा समझ लिए दोनों तरफ से मिठाइयाँ ही लगा हुआ है। और ये गाइस ये है दरगाह का गली, यहाँ से अभी हम लोग वहाँ का भी वीडियो दिखाते हैं। अभी इससे पहले अभी इधर जा रहे हैं, एक होटल है बहुत ही अच्छा, वहाँ पे खाना मिलता है। तो हम लोग बहुत ही लंबा सफ़र से आए हैं तो थोड़ा भूख लग गया, तो हम लोग खाना खाने जा रहे हैं, उसके बाद पूरा वीडियो आप लोग को दिखाते हैं। और ये यहाँ पे प्रशासन का रूम बना हुआ है, प्रशासन यहाँ पे रहते हैं, कोई भी तरह का परेशानी या कुछ प्रॉब्लम होता है तो यहाँ पे प्रशासन हमेशा 24 आवर यहाँ रहते हैं। यहाँ पे जो सामान मिलते हैं गाइस क्या ही बताएं, मतलब बहुत ही खतरनाक सामान मिलता है, एक से एक आइटम मिलता है, पूरा लगा हुआ है। आप देख सकते हैं कितना दूर तक सिर्फ लोग ही लोग दिख रहे हैं गाइस, देख सकते हैं रानीगंज वेस्ट बंगाल में इस तरीके की मिट्टी का क्या बोलते हैं इसको, मिट्टी का प्याला क्या बोले या क्या बोले, इस तरह का इसमें चाय मिलता है। ये हमारे भाई इजराइल माही है, तो आप बताइए कि नेक्स्ट ईयर जो पिछले उस साल यहाँ पे आए थे रानीगंज उर्स में, तो आप सोचे थे कि आपका ससुराल इधर यही इलाका में होगा? नहीं हम तो कभी नहीं सोचे थे, और इंशाल्लाह हो गया इधर शादी। वही तो फिर यहाँ से कितना दूर पड़ता है रानीगंज से आपका ससुराल? मैक्सिमम 30-35 किलोमीटर पड़ता होगा, है ना। बताइए ये हमारे भाई हैं और इसका ससुराल इधर है, हम लोग झारखंड से हैं और ये वेस्ट बंगाल में भी हम लोग हैं, और हमारे भाई का जो ससुराल है वो इधर ही है। तो अब ज़्यादा दूर है तो हम लोग जा नहीं सकते हैं, नेक्स्ट टाइम जाएंगे तो पूरा उधर का भी ब्लॉग बना के दिखाएंगे। और अभी तो रुको, क्लाइमेक्स अभी बाकी है। ये देखे बंगला से लिखा हुआ, क्या लिखा समझ में, हमको लग रहा सत्येंद्र सत्तू। A few moments later. तो गाइस फाइनली हम लोग यहाँ पे खाना खा चुके हैं, खाना खा के जस्ट निकल चुके हैं, पूरा अभी मेला भी हम लोग इंटर करने वाले हैं और अब होता है असली वीडियो स्टार्ट, क्योंकि अब पूरा सिर्फ मेला ही दिखेगा आपको, ठीक है। तो वीडियो को आप बिल्कुल स्किप मत कीजिए क्योंकि अब मजा आने वाला है, तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। गाइस ये देख सकते हैं आप, छोटा छोटा बच्चा के लिए डाइनिंग टेबल है, कितना का भैया? 60 रुपये का, 60 रुपये का एक सेट का, 60 रुपये। ये देख सकते हैं गाइस ये 60 रुपये का एक सेट है। तो ये असली दुकान का जो गली है वहाँ पे हम लोग इंटर कर चुके हैं, आप देख सकते हैं चारों तरफ डेकोरेटिंग जो किया है गाइस, वो देख सकते हैं कितना बढ़िया किया है, और नीचे भी देख सकते हैं नीचे भी इसको लगाया गया है। Thank you.
चुका है, यहाँ पे अंदर घुस चुका है और यहाँ पे इस तरीके से पूरा चारों तरफ से दुकान और डेकोरेटिंग जो किया गया उसका तो बात ही अलग है। और पूरा यहाँ पे बेल डांस है, झूला है बड़ा वाला, बच्चों के लिए भी है और ये नाव वाला भी है, सब कुछ है और खाने के लिए बढ़िया सा होटल भी है यहाँ पे। भाई अभी हम लोग टिकट ले रहे हैं ब्रेक डांस के लिए, आप देख सकते हैं। और अभी हम लोग यहाँ पे ब्रेक डांस में जाने वाले हैं चार, और ये हम आ चुके हैं और हमारा दोस्त लोग भी आ रहे हैं। तो गाइस हम लोग आ गए अब यहाँ पे बैठने के लिए ब्रेक डांस में, मजा आ रहा गाइस एकदम, मतलब अजीब। और बार हम लोग तो हर साल आते वैसे भी, लेकिन इस बार जितना मजा आ रहा है ना बता नहीं सकते हैं, क्योंकि इस बार ना थोड़ा और डिस्टेंस लग रहा है, एकदम फ्रेश लग रहा है और मौसम भी बहुत बढ़िया है और थोड़ा सा कम भीड़ है। और टाइम पे जब हम लोग आते हैं तो मतलब कोई धक्का मुक्का कुछ भी नहीं, मस्त लग रहा बस। कितना खतरनाक लग रहा है, वाह मजा लग रहा है गाइस। उसमें हमको बहुत ही ज्यादा डर लगता है वो देख सकते हैं आप, और जितना डर उसमें लगता है, किधर के भाई इधर है, इसमें जितना डर लगता है उतना ही मजा इसमें आता है गाइस, तो मतलब कि बहुत ही मजा आता है। और ये फाइनली रुक चुका है, मजा आ गया, बहुत मजा आया और लंबा भी चलाया, भीड़ थोड़ा मतलब कम है ना तो लंबा भी चलाया। तो गाइस फाइनली अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और हो सकता है कहीं और भी जाएंगे तो वहाँ का भी वीडियो दिखाते हैं। गाइस हम लोग बना रहे हैं एक बटर, दो बटर स्कॉच, एक ब्लू लेगून और एक ग्रीन बीन मिजिटो। ब्लू लेगून जी, ब्लू लेगून रेडी है, रेडी। देख देख ले ये भैया बनाया बहुत ही बढ़िया, और इसको चख के देख रहे हैं कैसा लग रहा अभी बताते हैं। यम्मी। और ये सेकंड गली है, यहाँ से एंटर होता है, इसमें भी बहुत ही बढ़िया बढ़िया दुकानें हैं और मौत कुआं वगैरह जो भी है इसमें भी मिलेगा। और यहाँ पे जो एक झूला है आप देख सकते हैं गाइस कितना खतरनाक डेकोरेटिंग किया है, लग रहा फुटबॉल है। अरे मैग्नेट होता तो एक भी नहीं गिरता ना, पांचों चिपका के नहीं रखेगा, नीचे चलो मारो, थोड़ा गिलास को सटाओ, एक गिलास गिरा पाता है, चलो अब दूसरा प्लेयर आया, थोड़ा साइड होइए, दूसरा प्लेयर आया हुआ है, तो अब देखते हैं, चलो मारो, हाँ मार। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? देखिए एक भी गिलास नहीं गिरा पाया, तब से बोला था हम गिराएंगे हम, ए माली चलो नेक्स्ट, दूसरा चांस मिला इसको, मेरा भाई है। गाइस देख सकते हैं बंगला गाना यहाँ पे बज रहा है, अस्मक वाला बिस्किट है ना भैया, चलिए एक मिनट, इसमें क्या है ना कुछ है नहीं, ठीक है वो जो इसमें क्या मिला था ना उसी का वो अस्मोक जो धुआं है वो आता है बस, ये पानी बस और कुछ भी है नहीं। और ये बिस्किट खाते हैं तो अंदर में मतलब कि पकड़ता है चिपकने जैसा। हाँ तो गाइस हम लोग अभी वहाँ से भी बाहर निकल गए हैं और दरगाह वाला गली हम लोग जा रहे हैं,
और इधर भी एक अंदर साइड लगा हुआ है और वहाँ जाएंगे और उसके बाद हम लोग फातिया के लिए जाएंगे। रानीगंज का वीडियो शॉर्ट में दिखाएं, अगर पूरा दिखाएं तो हमको लगता है 2 घंटा का वीडियो बनाना पड़ जाएगा, इसलिए छोटा सा बना रहे क्लिप शॉर्ट शॉर्ट काट काट के। और रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके कमेंट में बताइएगा कि कैसा लग रहा वीडियो आप लोग को, और हाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा गाइस, ताकि और आपको दिल से काम मिलता रहे। देख सकते हैं यहाँ पर इधर गली है, यहाँ पे अभी हम लोग इंटर करने वाले हैं, तो चलिए यहाँ से करते हैं इंटर और फिर दिखाते हैं उधर का वीडियो। इधर तो और ही बहुत बड़ा मार्केट टाइप लग रहा है, देख सकते हैं, और इधर भी झूला और है कि ये तो बहुत खतरनाक लगता है गाइस, जो खड़ा हो जाता पूरा। और इधर आप देख सकते हैं इधर भी एक है लंबा सा, इधर भी जाएंगे, पहले इधर दिखा देते हैं, इधर बहुत बढ़िया बढ़िया फूल है, फ्लावर है, देख सकते हैं। और इधर सिर्फ लड़कियों का सामान मिल रहा है गाइस, डेकोरेटिंग का, घर का, कार, वो क्या बोल रहे हैं, कार का, ज़्यादातर लड़कियों का सामान देख सकते हैं गाइस, बहुत बढ़िया बढ़िया इधर आया है, देख सकते हैं कि यहाँ पे ये वाला है और एक वहाँ पे कांटा वाला जो है, जो गली का कांटा जैसा है, यहाँ पे फिर झूला है और उधर फिर एक नाव वाला रुकी, वो जो गाइस देख रहे हैं वहाँ पे सामने दिखाते हैं वो भी कुछ है, तो हम तो नहीं चढ़ेंगे लेकिन मेरा जो पार्टनर लोग हैं वो लोग जाना चाह रहे हैं तो उन लोग दिखाते हैं। गाइस ये देख सकते हैं हमारा दोस्त लोग जा रहा है, क्योंकि मेरा सर में थोड़ा दर्द था इसलिए हम नहीं जा सकते हैं, वहाँ पे जाना था सर हमने, क्या मेरा दोस्त लोग भी जा चुका है और उनको पूछ रहे थे कि जाना है क्या, पर हम बोले कि मेरा सर में दर्द है तो हम और ये आवेश उन लोग दोनों नहीं गए, बाकी उन लोग गया है, हम लोग जाओ मेरे वजह से तुम्हें कुछ नहीं जाएगा। तो अभी उधर का वीडियो अभी बाकी है, उधर का वीडियो फिर दिखाएंगे, बहुत बढ़िया बढ़िया यहाँ पे आया हुआ है और ये आप देख सकते हैं अभी ये फिल्म वाला ये स्टार्ट होगा, फिर दिखाएगा। यार कैसे बैठ सकते हैं ये लोग, हमको समझ में नहीं आता, इतना खतरनाक लग रहा है। और गाइस ये भी स्टार्ट हो चुका है और ये जो झूला है ये हम फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, इसको देखना है कि ये किस तरीके से, ये मतलब कि इसका प्रोसेसिंग क्या है, किस तरह से ये जाता है, ये भी थोड़ा यूनिक है। वाओ सो क्यूट, बहुत ही खतरनाक इन लोग ने डेकोरेटिंग करता, आप देख सकते हैं इधर, आप इधर देख सकते हैं ये भी कितना खतरनाक डेकोरेटिंग किया है, वो आप झूला देख सकते हो वो भी कितना खतरनाक डेकोरेटिंग किया है, तो गाइस मतलब ना मस्त लगता है, कितना फ्रेश लग रहा है देखने में, वाव कसम से। खतरनाक खतरनाक ऑसम, वहाँ पे मेरा भाई लोग गया हुआ है, वहाँ से हमको इशारा कर रहे थे हाथ से, वो लगता हो गया। और इधर अभी वहाँ पे जाएंगे, वहाँ भी आप लोगों को दिखाने वाले हैं और वहाँ पे जो देख रहे हैं वहाँ पे कांटा, गाड़ी का कांटा जो ऊपर जाता है वो भी आप लोगों को दिखाने वाले हैं, अभी मज़ा आने वाला है गाइस, मज़ा आ गया, बहुत मज़ा आया, मज़ा आ गया, बहुत मज़ा आया है ना, हाँ कैसा लगा, बहुत मज़ा आया, जा रहे हैं उसमें उसमें सबसे पहले बात रानीगंज ये वाला जो है ना फर्स्ट टाइम आया हुआ, हम लोग जब भी आते थे ये नहीं आता था, कभी नहीं देखते थे, हाँ ये भी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, बाकी वो कांटा वाला आता था, बहुत मजा आ रहा है, आवाज यहाँ तक नहीं पहुँच रहा है, हाँ ठीक है ठीक है, तुम लोग जाओ हम यहाँ से, यहाँ वीडियो बढ़िया आ रहा है एकदम फर्स्ट क्लास।